नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। चीन के साथ सीमा गतिरोध और चीनी सेना के साथ वार्ता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह लद्दाख के नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पर अधिकारियों से बात की और सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान सैनिकों से भी बातचीत की। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु के तट पर है। नीम दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। अचानक पीएम मोदी के इस दौरे ने हर किसी को चौंका दिया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ने थोड़ी राहत देने के बाद आज बड़ी छलांग लगाई। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 के करीब पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,903 नए मामले सामने आए, जबकि 379 मरीजों की मौत हो गई। इन मामलों के सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 6,25,544 हो गई। 12 शहर में लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, जहां हरदम लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। दरअसल नियमों को दरकिनार कर प्यारे राम जी की मंदिर के पास एचपी गैस का ऑफिस बना हुआ है। यहीं से संचालक द्वारा रोजाना सैकड़ों गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी जाती है। सुरक्षा के तौर पर डीलर द्वारा यहाँ कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं, जबकि इस इलाके में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं ऑफिस के आसपास का क्षेत्र आबादी क्षेत्र है। मंडावर के गांव में मेन बाजार में स्थित सरकारी स्कूल के पास बनी पानी की खेल की ग्राम में समाज सेवी कांत सिंह सरधाना संचालक सरधाना मेडिकल स्टोर के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांत सिंह ने बताया कि खेल में गंदा पानी रहने से पशुओं पक्षियों के इस पानी को पी रहे थे। ग्राम के कुछ नवयुवकों द्वारा खेल को साफ करवाया गया। सूरतगढ़ के शोपुरा खसी निकटवर्ती ग्राम 28 चक पीपियन में सार्वजनिक जोहर की एक साल से ढही दीवार अब बनकर तैयार होगी। बता दें कि जोहर को ढही दीवार तथा इससे होने वाली दुर्घटना को लेकर डीपी के न्यूज चैनल ने 3 बार खबर प्रमुखता से चलाई थी और विभागीय अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाया। ग्रामीणों ने बताया कि नेशनल हाईवे के चक 28, 27 तथा 24 पीपियन के लिंक रोड के ऊपर जोहर बना हुआ था, जिसकी 15 साल पूर्व 4 दीवारी की गई थी। जोहर में पानी के अत्यधिक दबाव तथा सड़क से वाहनों के दिन रात आवागमन से जोहर की दीवार धस गई। तो वहीं दुर्घटना का भय सताने लगा। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत को अवगत करवाया, लेकिन बजट न होने के कारण दीवार का निर्माण नहीं हो पाया। अभी सड़क बनाने वाले एजेंसी से ग्रामीणों ने दीवार बनाकर बनाने की गुहार लगाई तो एजेंसी ने दीवार बना दी। दीवार बनाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सूरतगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद पहली प्रेस वार्ता में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने शहर का ऐतिहासिक विकास करने की कार्य योजना बनाकर पूर्व विधायक गंगा जल मील के प्रयास से शहर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराने का संकल्प लिया। अध्यक्ष कालवा ने कहा कि शहर की जनता के सहयोग से और प्रदेश कांग्रेस सरकार में शहर को ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष ने आज गोल्डन इन होटल में एक प्रेस वार्ता में यह बात कही। जयपुर में आपको बता दें कि इस समय ग्रामीण क्षेत्र में निजी स्कूल संचालक करने वालों पर एक बड़ी गाज गिरी है या मानो की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह डागर ने कहा कि राजस्थान सरकार के आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन में रहे 3 महीनों के फीस बच्चों से ना लें। ऐसे में निजी स्कूल संचालक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल संचालित कर रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन से पहले ही बच्चों की फीस नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र में दरअसल देखा यह जाता है कि परीक्षा के समय ग्रामीण लोग स्कूल संचालकों को पैसे देते थे और शहर में ये होता यह है कि बच्चों का एडमिशन स्कूल में होने से पहले उससे 50% फीस ले जाती है, पर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा के समय स्कूल संचालकों को फीस दी जाती थी।
चुरू के बिदासर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ स्टेट हाईवे नंबर 20 पर एक अनियंत्रित बाइक होकर ट्रैक्टर की से भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक पृथ्वी सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने बिदासर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर चोट आने के कारण हाई सेंटर रेफर कर दिया। चीपापड़ोद कस्बे के यादव मोहल्ले में पिता पुत्री के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती बरती जा रही है। चिकित्सा विभाग द्वारा कुल 46 लोगों को सैंपलिंग की गई, इसमें 34 लोग पिता पुत्री से संपर्क में आने वाले और 12 अन्य लोगों की सैंपलिंग की गई। चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार दूसरे दिन भी सर्वे जारी है। वहीं सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जा रही है। संक्रमण बढ़ने की संभावना के चलते 15 जुलाई तक चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर इलाके की पूरी तरह से सील कर दिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। सीओ बेलहोर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर, 5 सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुए। पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में 6 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए। एसओ बिटू समेत 6 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायल एसओ और सभी पुलिसकर्मियों को घायल हालत में रिजेंसी अस्पताल लाया गया। पाली के देसूरी में स्थानीय ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के आदेश अनुसार आम ग्रामीणों की शिकायत पर कस्बे के राठीलाव चौराहे स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान के आगे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। यहां आपको बता दें कि कस्बे के रोठीलाव चौराहे स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपने प्रतिष्ठानों के आगे अन्य सामानों को लेकर अतिक्रमण कर लिया, जिससे आमजन के रास्ते में आने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फालना नगर में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण व कार्य व रेलवे अंडरब्रिज की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री देवेंद्र सिद्धावत ने प्रधानमंत्री समेत रेल मंत्री और स्थानीय सांसद व राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर अवगत करवाया। नगर में ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, उसी कार्य को काफी समय से व्यतीत हो चुका है, लगभग 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इसके उपरांत भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। उदयपुर के मावली उपखंड क्षेत्र के फतेहनगर में कोरोना के बचाव को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रोडवेज बस स्टैंड से रवाना हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी, कुंदवाड़िया नायब तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा आदि ने भाग लिया। रैली में थानेदार भगवती लाल पालीवाल समेत थाने के समस्त पुलिसकर्मी, पालिका कर्मचारी व अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी ने भाग लिया। रैली में शामिल कर्मचारियों के हाथों में जागरूकता के लिए नारे लिखे बैनर व तख्तियां थी। वहीं रास्ते में जो बिना मास्क के मिला उन्हें मास्क वितरण किए गए। रैली में शामिल लोग नारे लगाते कतारबद्ध चल रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।